हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक तो आई होप यू हैव एन्जॉयड द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव लर्न मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल द वाइटीज वी हैव कवर्ड एंड आई हैव ऑल्सो सेंड यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन केयरफुली सो दैट यूल बी इन टच विद द चैप्टर एंड विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिवाइज वॉट वी हैव सीन इन द वीडियोज तो मैंने काफ़ी सारे आपको पी भी सेंड कर दिए तो वो पी को डाउनलोड कर ले और वो पी के एफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी बेसिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी वराइटीज है सारे वरायटीज़ हमने कवर अप कर लिए अब उसके आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करके उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप पा सकोगे सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक एंड द सेकेंड टॉपिक इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिस चैप्टर इज ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड तो इस चैप्टर में भी फार्मूलाज है तो फार्मूलाज को कैसे याद रखना है किस तरीके से फार्मूलाज पे आपको ध्यान देना है सारी चीज़ें हम सीखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आपको फार्मूलाज बहट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप फार्मूलाज को ईजिली याद रख सकते बिकॉज फर्स्ट एंड द फोस्ट फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी चैप्टर विच हैज़ फार्मूलाज इज़ दैट हाउ टू लर्न द फार्मूलाज तो कैसे हम फार्मूलाज को याद रखें सारी चीज़ें सीखेंगे अब हमारा चैप्टर नंबर टू है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो शुरू करते हैं आज का प्रेडिक्टेड मतलब कॉस्ट मतलब मतलब हम एक कॉस्ट को प्रेडिक्ट करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा इतना कॉस्ट होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें टेन के जी का मटेरियल लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हमें दो लेबर्स लगेंगे ये हमने क्या किया दिस इज द प्रोडिक्शन विच वी आर मेकिंग एंड बाद में फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल उस पर कितना मटेरियल लगा एक्चुअल उस पर कितने लेबर्स लगे और फिर हम इन दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं जिसे इस चैप्टर में वेरिएंस के बेसिस पे जाना जाता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंसेस लेबर वेरिएंसेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न सो द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेवलप टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टेक्निक है वो क्यू यूज किया जाता है इससे मैनेजमेंट अपने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल पा सके बिकॉज इफ वी आर फिक्सिंग अ टारगेट इफ वी आर फाइंडिंग आउट क्या दिस विल बी माई स्टैंडर्ड एंड वी आर कंपेरिंग विद द एक्चुअल तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या स्टैंडर्ड रखा था हमने रखा था कि दस के जी मटीरियल लगेगा सो प्रोडक्शन सो यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए लेकिन जब हमने एक्चुअल देखा तब ट्वेंटी के जी मटीरियल्स लग रहा था तो इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है या ये जो कॉस्ट के ऊपर कंपनी का खर्चा है तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज की जाती है उसको अभी हम ध्यान से देखेंगे इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू एनालाइज द डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज वेरियंस तो इस चैप्टर में एक वर्ड याद रखना बिकॉज इसमें बार बार हम जो वेरियंसिस ढूंढने वाले कोई कोई इसको वरायंस के बेसिस पे भी प्रोनाउंस करता है बट वेरियंस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो बेसिकली वी आर डूइंग वॉट वी आर कंपेरिंग वी आर डूइंग कम्पेरिजन बिट्वीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दुअल कॉस्ट एंड वॉट एवर डिफरेंसेज आर कमिंग और वॉट एवर डेवियशंस आर कमिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे जाने तो दिस इज कॉल्ड एज डेवियंस तो अगर जो भी डेविएशंस आएंगे जो भी हमारे डिफ्रेंसेस आएंगे उसे हम इस चैप्टर में वेरियंस के नाम से जानेंगे जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है टेन और हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है ट्वेल्व तो ये जो दो रुपये का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस को इस चैप्टर में हम क्या कहते हैं डिफरेंस को इस चैप्टर में हम कहते हैं वेरियंसिस तो दैट इज द पॉइंट दिच वी हैव टू लर्न है लेटर्स मूव नाउ अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमें पढ़ने हैं मटीरियल प्राइज वेरियंसिस के तो सबसे पहले हम मटीरियल प्राइज वेरियंस के फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें टीवाई और एम कॉम का एक कंबाइंड वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगा इनमें से टीवाई के लिए कौन से फॉर्मूलाज है और इसके साथ एम कॉम अगर आप कर रहे हो तो एम कॉम पार्ट वन में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें कौन से फॉर्मूलाज बी लर्निंग दैट इन मच डिटेल नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज मटीरियल प्राइस वेरियंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एम पी वी मटीरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइज माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्टकट का भी फॉर्मूला लिखा है एमपीवी इक्वल टू एसपी माइनस ए पी इन ए क्यू बाद में एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं वरना इनको अगर फॉर्मूलाज को बाहैट करने जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न और थोड़ा सा भी फॉर्मूला इधर उधर चलेगा दैट विल बी रॉन्ग कैलकुलेशन एंड विच विल बी द पॉइंट यू विल बी लूजिंग द मार्क्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन सो दैट इज वाई वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंसेप्ट हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्वेश्चन दो पॉइंट नंबर सेकंड है दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूला है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम शॉर्टकट देखें तो एम यू वी दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी देन द इज ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरियंस एम सी वी एमसी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस एम सी वी इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमारा एम सी वी का आंसर आएगा एम सी वी का आंसर कैसे मिलता है हमको एम पी वी का और एम यू वी का इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एम सी वी का आंसर मिलेगा दैट इज द वेरीफिकेशन प्रोसीजर बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू लर्न बिकॉज वॉट एवर आर द फॉर्मूलाज इफ आई एम रीडिंग द सेम फार्मूलाज तो फिर आप कहेंगे कि सर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे याद रखने हैं ये फार्मूलाज वो ट्रिक तो बताइए तो ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको इन फार्मूलाज को याद रखना है ठीक है तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले हम मटीरियल के वेरियंसेस सीखेंगे फिर मैं इसी में आपको लेबर के भी वेरियंसेस बताता हूँ मटीरियल वेरियंसेज फॉर्मूला है एमपीवी एमपीवी इज व्हाट मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखो कैसे याद रखना है ये यहाँ पे पी है पी से होता है प्राइस तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बाहर लेना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी सो वेरी सिंपल अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में प्राइस ही आएगा नंबर सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ब्रैकेट में हम क्वांटिटी लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है तो ये सिंपल फॉर्मूला हुआ मटेरियल यूसेज वेरिएंस नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल प्राइस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है अब देखो ये कैसे करता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस ठीक है ये हमारे मटेरियल वेरिएंसेस हुए अगर आप टीवाई के स्टूडेंट हो तो आपको ये तीन ही वेरियंसेस है मटीरियल प्राइस मटीरियल यूसेज मटीरियल कॉस्ट अगर आप एम के स्टूडेंट हो तो आपको और दो वेरियंस एड होंगे मटीरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल ईल्ड वेरिएंस उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ईल्ड और मिक्स में क्या क्या चीजें आती है अब दूसरे टाइप के जो वेरियंसिस है वो है आपके लेबर वेरियंसेस अब आप कहेंगे सर अभी तो हमने तीन फार्मूलाज याद रखे और हमें तीन फार्मूलाज याद रखने हैं तो किस तरीके से याद रखना है बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट देखो लेबर वेरियंसिस में आपको क्या करना है मटीरियल वेरियंसिस के ही फार्मूला है जहाँ पे पी लिखा है उसको हम आर लिख देंगे जहां पे भी पी लिखा है मतलब ये पी है एस पी विल बी सब्सटीट्यूटेड विद आर सिमिलरली अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए पी विल बी सब्सटीड विद आर और जहाँ पे हमने क्यू लिखा है क्यू विल बी सब्सटीट्यूटेड विद एच ठीक है आर का मतलब होता है रेट और एच का मतलब होता है आरस क्योंकि लेबर में हम लोग आर्स ढूंढेंगे अभी पहला है लेबर रेट वेरिएंस देखो लेबर रेट वेरिएंस क्या है फॉर्मूला एस लिखा है तो यहां लिखेंगे हम एस आर दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस ए आर दैट इज एक्चुअल रेट क्यू लिखा है क्यू के जगह पे ए एच क्यू के जगह पे क्या लिखना है आपको क्यू के जगह पे एच लिखना है पी के जगह पे आर लिखना है यही फॉर्मूला से तो फार्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं वो ध्यान से समझना लेबर रेट के बाद आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो यही फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ सिर्फ नाम चेंज करेंगे एस एच माइनस ए एच एस एच इज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कॉस्ट वेरियंस सेम फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन एस एच मल्टीप्लाइड बाय एस आर स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट इसमें भी अगर आप टी वाई के स्टूडेंट हो तो ये तीन ही फार्मूलाज हैं अगर आप एम कॉम के स्टूडेंट हो तो लेबर मिक्स वेरियंस भी आएगा और लेबर ईल्ड वेरियंस भी आपको एक्स्ट्रा आएगा वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे तो दिस इज दमूलाज दिज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इच यू हैव टू रिमेंबर सो वेरी सिंपल ओनली थ्री फार्मूलाज से मैंने और थ्री फार्मूलास को कंस्ट्रक्ट कर लिया है आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं तो मटीरियल के पॉइंट्स हमने देख लिए अभी मटीरियल मिक्स वेरियंस सीखते हैं मटीरियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल ईल्ड वेरियंस दिस टू फॉर्मूलाज आर एक्स्ट्रा फॉर एम कॉम तो पहले के तीन तो रहेंगे ही और ये दोनों एम कॉम के लिए एक्स्ट्रा है अगर आप टीवाई के स्टूडेंट हो तो ये दोनों आपके लिए नहीं है मटीरियल मटीरियल मिक्स वेरियंस कैसे ढूंढते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको हम सीखेंगे आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी आरएस क्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेट करना सीख लेंगे इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आरएस क्यू तो आर एस क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है आरएस क्यू इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मटीरियल तो आपको आंसर मिल जाएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ओवरऑल प्रॉपरली एक्सप्लेन करवाऊंगा कि किस तरीके से आर एस क्यू का कैलकुलेशन होता है सिमिलरली लेबर के फॉर्मूला से लेबर वेरिएंसेस में हमने शॉर्टकट क्या सीखा एक भी फॉर्मूला बाहट मत करो मटीरियल में जहाँ पे हमने पी लिखा है पी निकाल के आर लिख देना मतलब प्राइस के जगह पे रेट आ जाएगा और जहाँ पे मटीरियल्स में हमने Q लिखा है Q के जगह पे हमको H लिखना है दैट इज स्टैंडर्ड आरस तो लेबर रेट वेरिएंस देखो एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच अभी मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सिमिलर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉइंट्स एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं एल सी वी जो आएगा एल सी वी कैसे मिलता है एल आर वी प्लस एलईवी एल आर वी और एलईवी को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एलसीवी का आंसर मिल जाएगा दैट इज सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज आई होप की दिस ट्रिक विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर द दमूलाज और ये ट्रिक का आप यूज करके फॉर्मूलाज को याद रख सकोगे तो लेबर के कुछ मिक्स और इल्ड के भी फॉर्मूलाज है सिमिलर लेबर मिक्स वेरियंस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट और लेबर ईल्ड वेरियंस स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इन स्टैंडर्ड रेट तो थोड़े से कैलकुलेटिव है लेबर ईल्ड वेरियंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेबर मिक्स वेरियंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है अगेन अगर आप एम के स्टूडेंट हो तो आपको ये दो वेरियंस एक्स्ट्रा है पहले के तीन जो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और ये दो एक्स्ट्रा वो मटीरियल मिक्स में और मटीरियल ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन सिमिलरली लेबर मिक्स में और लेबर ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको इसके क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा किस तरीके से आपको इसको इसमें याद रखना है तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे चैट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगा है आपको ये सारे फॉर्मूलाज समझ में आए हैं या नहीं अगर आपको सारे फार्मूलाज समझ में आए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा बिकॉज ये चैप्टर में बाकी कुछ नहीं रहा ओनली फार्मूलाज को किस तरीके से यूज करना है और सब्सिट्यूट करके आंसर दो Thank you all of you. Bye bye. Take care.